हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? बच्चे खाने के मामले में बहुत ही फिनिकी होते हैं और हर मदर चाहती है कि वो अपने बच्चे को कुछ हेल्दी और टेस्टी दे जो कि वो उसका बच्चा फटाफट फिनिश कर ले। बच्चों को टिफिन में भी हर रोज़ कुछ नया चाहिए होता है। अब ये बहुत ही टीडियस टास्क है बच्चों को हर रोज़ हेल्दी और टेस्टी खाना टिफिन में दे जो कि वो फिनिश करके आए। तो आज हम कोई ऐसी डिश बनाएंगे जो कि फटाफट प्रिपेयर हो जाती है और आप ये आसानी से बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। चाहे तो इसकी 50% प्रिपरेशन आप रात को करके रख लीजिए और बाकी आप सुबह में आराम से कर सकते हैं। आइए दोस्तों, देख लें कि इसके लिए हमें कौन सी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगी। तो ये मैंने आटा लिया है 1 कप। ये मैदा है जो हम मैंने 1 कप लिया है। इस 1 कप के अलावा हमें 2-3 स्पून मैदा और चाहिए होगा पनीर को सॉटे करने के लिए। ऑयल में मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, ये बच्चों के लिए हेल्दी होता है। सॉस में मैंने चिली सॉस लिया है। अगर आपके बच्चे चिली नहीं खाते हैं तो आप इसको चाहें तो ओमिट भी कर सकते हैं। टमेटो सॉस लिया है, मेयोनीज लिया है, पनीर लिया है 1 कटोरी और स्वाद अनुसार नमक। दोस्तों, मैंने फिलिंग के लिए पनीर लिया है। आप पनीर के अलावा और बहुत कुछ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप आलू को फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं, मिक्स वेज को यूज़ कर सकते हैं तेल में सॉटे करके। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप बोनलेस चिकन क्रंचेस यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें मैदा डाल लेते हैं। आप मैदा या कॉर्नफ्लोर कुछ भी डाल सकते हैं। इसको जस्ट टच करना है। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा सा पेपर पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है और अब इसे हम धीरे धीरे इसमें डाल देंगे। सारा ही पनीर सॉटे करने के लिए इसमें डाल देंगे। इसे हम हाई हीट पे सॉटे करेंगे। अब जब तक ये पनीर सॉटे होता है तब तक हम अपना आटा गूंद लेते हैं। ये हमने आटा गूंद लिया है। मैदा और आटा के अलावा मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और ऑलिव ऑयल 1 चम्मच डाला है। ये देखिए, बिल्कुल रोटी बनने लायक आपको आटा गूंदना है। पनीर सॉटे हो चुके हैं। ये दोस्तों, ये हमने सॉटे इसलिए करा है ताकि इन पनीर में हल्का सा स्वाद आ जाए और ये थोड़े से क्रंची लगे। यूजुअली सारे लोग पनीर को कच्चा ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन इस तरह से इसे हल्का सा मसाला डाल के सॉटे करने से इसमें क्रंच भी आ जाता है और थोड़ा सा टेस्ट भी रहता है। अब हम पनीर में सॉस मिला लेंगे। ये चिली सॉस मैंने डाला। मेरे बच्चों को थोड़ा तीखा पसंद है इसलिए मैंने 3 चम्मच डाला है। आप अपने बच्चों के पसंद के हिसाब से बनाएं। टमेटो सॉस भी मैंने 2 स्पून डाला है। दोस्तों याद रखिए, इसमें मेयोनीज की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होगी। और अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं। मैंने आटे का एक छोटा पेड़ा बना लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा मैदा डाल के इसको बेल लेंगे। बहुत पतला भी नहीं करना है और बहुत ही मोटा नहीं रखना है। मीडियम साइज़ की रोटी बनानी है आपको। दोस्तों, इस रोटी को आपको दोनों तरफ से अच्छे से पका लेना है। बहुत कड़ा नहीं करना है। दोस्तों ये दोनों तरफ से पक चुका है। अब इसमें हम थोड़ी सी ऑलिव ऑयल लगा देते हैं। दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी लगाएंगे। दोस्तों, अब ये 2 रोटियां मैंने बना ली हैं। ये फिलिंग को रोटी में डालने से पहले इसका नमक और स्वाद ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो मैंने चेक कर लिया है तो मेरे हिसाब से ये सही है।
तो अब आप इसमें अच्छे से इसको स्प्रेड कर लेंगे, दोनों में स्प्रेड कर लेते हैं हम। दोस्तों ध्यान रखिएगा, सिर्फ हाफ रोटी में स्प्रेड करना है ये, पूरे में नहीं। और फिर आप इसको ऐसे रैप करके दो टूथपिक लेके इसको यूं पिन कर लेना है और पिज्ज़ा कटर से इसे हाफ में काट लेना है। दोस्तों ये हमारा मज़ेदार लंच तैयार हो चुका है। अब आप बच्चों को आसानी से टिफ़िन में ये दे सकते हैं ताकि वो खा के इंजॉय करें और टिफ़िन पूरा ख़त्म करके आएँ।